बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बदकारों की सोबत से परहेज रखो, बदशगुनी करना मकरूह है, बुखल वो खसलत है नफ्स की और साहिबे मार्फत का नफ्स मखलूक के नफूस के मुकाबले में मरा हुआ है, वो मुतमाइन है और अल्लाह अज़्ज़ वजल के वादों पर ठहरा हुआ और उसकी वईद से खाइफ है। बुखल तो वो करे जिसके पास माल हो, और सूफ़ी की तो सारी चीज़ें दूसरे की ही बन गई हैं, फिर क्या वजह है कि दूसरे के माल में बुखल करे, ना उसका कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त। बुखार ज़दा के लिए तावीज़ लिखकर गले में डाला जा सकता है, बाएं हाथ पर सहारा देकर बैठना मकरूह है, बैठे हुए लोगों के दरमियान लेटना भी मकरूह है। बातिले हवस और आरजुओं को छोड़ो और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाओ। ऐ अल्लाह, हमारे कुलूब को पाक कर और हमारे इसरार को खिल्लत बख्श और हमारी अकलों को अपने और हमारे ताल्लुक में वो सफाई अता कर जो मखलूक की और ख़ुद हमारी अकलों से भी बाहर हो। बादब बनो अल्लाह ताला के सामने जैसे कि तुम्हारे इसलाफ बादब रहते थे। बावजूद नाहिल होने के नेकियों की सी सूरत बनाता है, उस जैसी बातें करता है और लिबास पहनता है, हालांकि उन जैसे काम नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसे निजात देता है, जैसे कि क़यामत के दिन ईमान वालों को दोज़ख से निजात देगा। अल्लाह से शर्माओ और गफलत में ना पड़े रहो। अल्लाह से डरना कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह से तौबा कर और कोई नेकी उसके सिवा किसी के लिए मत कर, ना दुनिया के लिए और ना आखरत के लिए। मुझे अल्लाह ताला तक अल्लाह वालों ने पहुंचाया है, क्योंकि अल्लाह तक लोगों को वही पहुंचा सकता है जो उसकी मार्फत हासिल कर चुका हो, और जो ख़ुद ही उससे जाहिल है वो कैसे उसका रास्ता बता सकता है।